हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो व्लॉग बनाती नहीं है, आज ये व्लॉग बनाने तशरीफ कैसे ले आए, क्योंकि आज है वन ऑफ द वेरी स्पेशल डेज ऑफ माय लाइफ। आज है मेरी एंगेजमेंट। ओह माय गॉड, वाओ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो बज रहे हैं 10 और मुझे 10:30 तक सैलून पहुंचना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके बस जा रही हूं। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूं। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई हूं, पर बाल बनते बनते, नेल्स लगते लगते बहुत टाइम लग गया। अब मैं फाइनली अपने प्रॉपर लुक में मौजूद हूँ, लेकिन अभी मैं प्रॉपर लुक नहीं दिखाऊँगी, सिर्फ इतना इतना ही देखें। तो अभी बस मैं अपने फियांसे का वेट कर रही हूँ, आएंगे मुझे पिक करेंगे, देन वी गो टू आवर आउटडोर शूट। और यहाँ बैठे बैठे मेरा जो जीना हरामज हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बड़ी बहन होना और दुल्हन होना इट्स लाइक वर्स्ट कॉम्बिनेशन एवर, बिकॉज मम्मा और यशा यहाँ पे नहीं है और हर चीज़ उनकी मुझे हैंडल करनी पड़ी है। इट्स सो टफ, लिटरली हर बंदे को फ़ोन उठा उठा के बोलूँ कि ये नहीं करना, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, बहुत टफ है भाई। ये ड्रेस इतना हैवी है कि मुझसे अब संभल भी नहीं रहा है। ये मेरे हाथ गंदे हो गए, पसीने आ रहे हैं। थैंक यू। मैं सबसे पहले पहुंच गई थी और हमने थोड़ी बहुत रील्स बनवा रही थी, लेकिन मुझे जो है सबने भेज दिया है। मैं तो ऐसे वीडियो खोल के बैठ गई थी क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। अभी तक आठ आए नहीं हैं और सब लोग नीचे बस बैठे हैं, मैं अकेली यहाँ पर बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। व्लॉग को एंड करने में भी पूरे 5 days बाद, मतलब 5 दिन बाद मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई नो बहुत लेट हो गया है, बट क्योंकि मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, मतलब बनाया मैंने, शुरू में स्टार्ट किया मैंने, लेकिन आई थॉट शायद बनेगा ही नहीं। और फिर बाद में मुझे ये था कि बहुत छोटा सा बन गया है, लेकिन भाई मेरे फैंस, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, मेरे फॉलोअर्स के मैसेजेस आए थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत पुश किया, फैमिली ने बहुत पुश किया कि तुम अपलोड करो, कुछ भी बना है तुम अपलोड करो। मैंने कहा अच्छा चलें कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या बना है क्या नहीं बना है, क्या बना दिया है हमने। तो मैं बस कुछ BTS और कुछ भी थोड़ा बहुत था, मैंने कहा चलें जो बनता है मिलके वो बना लेंगे और फिर हम अपलोड कर देंगे, जो सब वेट कर रहे हैं उनको देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़े गप्पे लड़ा लिए जाएँ, क्योंकि मैं व्लॉग में तो कुछ बात नहीं कर सकी, मतलब लिटरली इवेंट वाले दिन मैं इतना बिजी थी इसकी कोई हद नहीं है। मतलब मेरे पास मेरा फ़ोन ही नहीं था कि मैं कुछ बना पाती, मैं कुछ दिखा पाती, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मेरा फ़ोन कहाँ था, किसके हाथ में था, मुझे कुछ होश नहीं था, बस आई वॉज रियली लॉस्ट कि बस मैं पता नहीं किस जोन में थी, मुझे खुद भी नहीं पता। आई वॉज़ रियली हैप्पी, माशाल्लाह नज़र ना लगे। मतलब उस दिन जब मैं सुबह सैलून गई उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब सैलून में मुझे इतनी, एक तो मैं सबसे पहले चली गई, शायद मेकअप आर्टिस्ट ने इतनी पंचुअल दुल्हन देखी नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे मेरी शक्ल देख रही कि यार इतनी जल्दी आके बैठ गई। उसने मुझे बहुत जल्दी का कॉल टाइम दिया था, आई थॉट कि शायद जल्दी जाते होंगे, मैं जल्दी जाके बैठ गई। तो मैं कोई 12 बजे
या 1 बजे मैं फुल रेडी थी, जल्दी रेडी हो गई थी, लेकिन फिर मैं वेट कर रही थी और वही छोटे मोटे काम होते हैं, थोड़ा मेकअप का, बालों का, कपड़ों का, तो वो करते 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 मेरा आउटडो शूट का टाइम हो गया था। लेकिन ये कि सैलॉन में सब मेरी शक्ल देख रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने व्लॉग में बताया, दुल्हन होना और बड़ी बहन होना भाई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मेरे पास टक करके फ़ोन आ रहा है, अब क्या करें, अब भी ऐसा मेकअप कराएं, अब क्या करें, बाल कैसे बनवाए थे, देख आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड यार, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद भी मैं शूट पे गई, फिर शूट पर जाने के बाद हमने पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोज़ बनवाई, रील्स बनवाई, बहुत ही मज़े किए, आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और आहत के साथ तो मैं आप लोगों के कुछ बना के दिखा ही नहीं सकती हूँ अभी, बट येस आई हैव मेड सम टिकटॉक्स एंड सम रील्स जो कि आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे दिखेंगी, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो करें और लाइक करें। सब कुछ माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैं चाहती थी, बिल्कुल एक्यूरेटली सब कुछ वैसा ही था, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वहाँ तो मैं कुछ शूट कर नहीं सकी, लेकिन घर आने के बाद भी मैं इतना थकी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं किया, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई, दिल तो छोड़ें, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ भी करूँ। मेरा सर दुखने लगा था, मतलब दुपट्टे के वेट से इट वॉज़ लाइक दिस, ऐसे पीछे जा रहा था मेरा सर और मेरी गर्दन दुखने लगी थी। मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, सो आई लेफ्ट माई व्लॉग, आई वॉज लाइक अब तो मैंने कुछ शूट नहीं करना, बस वैसे भी मैंने छोटी सी क्लिप्स बनाई हैं तो मैं क्या ही अपलोड कर पाऊँगी, मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगी, मैंने कहा मुझे नहीं करना, सो आई लेफ्ट इट। बट सब ने मुझे इतना पुश किया कि करो 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 करो, मैंने कहा अच्छा चले कर लेते हैं, थोड़ा सा बना ही लेंगे कुछ ना कुछ हम। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बहुत स्पेशल दिन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ऑल दो छोटा सा शेयर किया बट स्टिल। और मैंने अपने स्पेशल डे पे अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा, मुझे उनकी कमी बहुत बहुत महसूस हुई, क्योंकि जब आप यू नो आपकी लाइफ में पहली दफ़ा खुशी आती है इतने बड़े दुख के बाद, तो जब आपको सब लोग दिखाई देते हैं पर आपके लव्ड वन कोई भी जो हो वो ना दिखाई दे, तो आप बहुत अंदर से बहुत यू नो दिल दुखता है, बहुत तकलीफ़ होती है। बट आई नो दैट ही वॉज़ देयर इन माई हार्ट और वो हमेशा वहीं रहेंगे, तो आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई बिलीव दैट ही विल बी हैप्पी फॉर मी टू। तो आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे, जो क्या आई नो कि मैं बहुत सुस्त हूँ, बहुत रो रो के व्लॉग्स बनाती हूँ लेकिन इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग, क्योंकि मेरी बर्थडे भी आ रही है बहुत जल्दी से, लाइक ऑन 5 जनवरी, तो इंशाल्लाह एक अच्छे से और न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।